love story pure 9 months ki. गुड मॉर्निंग. नींद अच्छे से आई? मैंने नया टूथब्रश निकाल दिया बाथरूम में और चाय ब्रेकफास्ट रेडी है. इतना ड्रेसअप होके कहाँ जा रही है? ऑफिस ऑफ कोर्स. कोई जरूरत नहीं ऑफिस जाने की. चिल करना, आज रेस्ट है. यू नो व्हाट, आज मैं भी ब्रेक ले लेती हूँ. आज रिलैक्स डे, बहुत मजे करेंगे. फिल्म देखेंगे, स्पा जाएंगे और नई रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे. आज कुछ अलग करते हैं, चल ना. वाओ, वेरी नाइस प्लान, बट मुझे बहुत काम है. काम से ज्यादा इम्पोर्टेंट तू है आलिया. क्यों अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रही है? अपने आप को थोड़ा टाइम देना. रविया, मैं अपनी पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम्स की वजह से अपने बिजनेस को सफर होने नहीं दे सकती. आज बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग्स लाइंड अप है, आई हैव टू गो. दीदी, वीर भैया का सारा सामान पैक कर दिया. थैंक यू सुनीता. नीचे राकेश है, उसको बोलो कि ये सूटकेसेस नित्या मैम के घर पहुंचा दे. पर क्यों दीदी? वीर अब यहाँ नहीं रहेंगे. दीदी सुनीता, कितने टाइम से एक अच्छी कॉफी नहीं पी है मैंने. ऐसा करो, एक अच्छी सी कॉफी बनाओ. कॉफी तो खत्म हो गई घर पे अब. कोई बात नहीं दीदी, वो मोहल्ला लेना, उसकी दुकान से लेके आती है मैं. वाओ, यू नो, बहुत मिस किया कॉफी को. आलिया, मेरी एक फ्रेंड साइकोलॉजिस्ट है, शी इज रियली गुड. तू उससे जा और बात कर, मैं आज ही अपॉइंटमेंट ले लेती हूँ. शाफिया, मुझे साइकोलॉजिस्ट की जरूरत नहीं है, मुझे एक डिवोर्स लॉयर की जरूरत है. आलिया, अपनी मेंटल हेल्थ को कभी भी लाइटली. गुड मॉर्निंग स्टार. राबिया, तुम सुबह सुबह क्या हुआ? तुम गर्ल्स का स्लीप ओवर था क्या? दैट्स गुड. सूटकेस किसके? वीर के. पेपर पढ़ा आज का? मैंने कहा था ना, HPC के शेयर्स विल गो अप. आई टोल्ड यू, तुम्हारे पैसे सही जगह इन्वेस्ट कराए मैंने. हाँ. अच्छा, इससे पहले कि हम दोनों अपना दिन प्लान करें, लेट्स टॉक अबाउट इन्वेस्टमेंट्स. और काम कैसा चल रहा है अंकल? जस्ट फॉर वंस, काम कैसा चल रहा है की जगह तुम कैसी हो पूछकर देखिए ना. रवि प्लीज. नहीं आलिया, अंकल को पता होना चाहिए वीर की इतनी सूटकेसेस बाहर पड़ी है. क्या आपने एक भी बार उसे पूछा कि बेटा सब कुछ सही है, इज समथिंग रॉन्ग? रविया स्टॉप इट. नहीं आलिया, पैसे तो तेरे इन्होंने सही जगह इन्वेस्ट करवा लिए, लेकिन अंकल दामाद में आपका इन्वेस्टमेंट गलत हो गया. व्हाट? वीर आप ही की चॉइस थी ना. रविया स्टॉप इट. क्या बोल कर रही हो तुम? डैड, रविया बस वीर आलिया को चीट कर रहा है. वीर और नित्या का अफेयर चल रहा है. मतलब कब से चल रहा है? तुमने मुझे बताया भी नहीं. बात की तुमने उससे? लेट मी हैंडल दिस. हाउ डेयर ही, उसको मैं भी लाइन दिलाता हूं. सड़क पे आएगा ना, उसकी अकल ठिकाने आएगी. अंकल, आपको आलिया से ज्यादा फाइनेंसर से बात करना इंपॉर्टेंट लग रहा है. आई एम नॉट सरप्राइज्ड, आपने कभी आलिया की लाइफ में इंटरेस्ट ही नहीं लिया. एक्सक्यूज मी अंकल, आपको पहले उसके रिपोर्ट कार्ड में इंटरेस्ट था और अब उसके बिजनेस टर्नओवर में. वो मेरी बेटी है. You don't cross the line. अंकल, मैं सिर्फ सच बोल रही हूँ. बस stop it. Dad, राबिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और Dad आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. वीर का सामान इस घर से जा रहा है. मेरे घर में और मेरी लाइफ में उसकी कोई जगह नहीं है. मुझे उसे कुछ लेना देना नहीं है. The doors are shut on him. हमेशा के लिए. अगर कुछ अच्छा नहीं बोल सकते तो अपना मुंह बंद रखो. ठीक है, आलिया से जाकर एक बार बात कर लो. नहीं, नहीं मानेगी. एक बार बात तो कर लीजिए, और ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वो नहीं मानेंगी. अगर आप बिना बात किए चली गई तो जिंदगी भर आपको इस चीज का मलाल रहेगा कि बात नहीं की है. तुम कौन हो? न्यू जॉइनी है. सारंग सही कह रहे, एक बार बात तो कर लो. राहुल, आई थिंक तुम जाओ इसके साथ. आलिया हम सब में से किसी से बात करती है तो वो तुम हो. यार मैं कैसे यार? प्लीज राहुल, मंजू के साथ जाओ प्लीज. ओके. आई कांट.
even believe this. मतलब पहले तो इतनी बड़ी चीटिंग उसके ऊपर पार्टी में सेलिब्रेट कर रही है. मतलब कॉन्शियंस मर गया है सबका. बट डोंट वरी आलिया, मंजू के कॉन्ट्रैक्ट में कॉपीराइट का क्लॉज है एंड यूजिंग दैट हम उसको सू कर सकते हैं. आलिया सॉरी, मैं आपके पास डेविल्स एडवोकेट बन के आया हूँ, बट प्लीज मंजू को माफ कर दीजिए. ये जॉब उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. अंदर आओ. गुड, एटलीस्ट अंदर तो बुलाया. माफ कर दीजिए आलिया जी, दे दीजिए मंजू जी को उनकी नौकरी वापस. बैठो. आलिया ये कोई बकवास की स्टोरी सुना के तुमको मैनिपुलेट करने आई है, प्लीज इसे एंटरटेन. वो आलिया प्रेशर में आकर मुझसे गलती हो गई. किस चीज का प्रेशर? हमारी कंपनी एक्सपेक्टिंग मॉम्स को काफी सारे बेनिफिट्स देती है. तुम्हें पर्सनल पिकअप एंड ड्रॉप मिलता है, फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स मिलते हैं, और ऑफिस आवर्स के बाद तुम्हें कोई बॉदर नहीं करता चाहे कितना भी इंपॉर्टेंट वर्क क्यों ना हो. बिकॉज एज अ फर्म हम बिलीव करते हैं कि हमारे विमेन एम्प्लॉयज को अपने करियर के साथ कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े, चाहे मदरहुड हो या प्रेगनेंसी. और इतना सब कुछ करने के बाद भी तुमसे ऑनेस्टी से काम नहीं हुआ. वो आलिया मैं इनसिक्योर हो गई थी. उस रात जब मुझे ऑनलाइन मीटिंग में इंक्लूड नहीं किया तो मुझे लगा कि कंपनी को एक प्रेग्नेंट एम्प्लॉय की जरूरत नहीं है. मुझे लगा कि मेरी जॉब जा रही है. मंजू ने हमारे लिए पहले बहुत अच्छा काम किया है. शी इज वन ऑफ द बेस्ट हिंदी राइटर्स वी हैव. ये उसकी मिस्टेक फर्स्ट और लास्ट होगी, आई अश्योर यू दैट. तुमने मुझसे सॉरी बोल दी है और शायद मैं तुम्हें माफ भी कर दूं, लेकिन क्या ये एक्सप्लेनेशन मैं अपने क्लाइंट एमएलए सिन्हा को दे सकती हूं कि हमने चीटिंग क्यों की? क्यों समझेंगे वो ये सब? डू यू अंडरस्टैंड व्हाट द प्रॉब्लम विद चीटिंग इज? आलिया चीटिंग तो तब होगी ना जब हम एमएलए सिन्हा को ये कंफर्म करेंगे कि कविता हमारी नहीं है. हम उनसे ये भी तो कह सकते हैं कि वायरल हुई कविता हमारी है, अब इसका कवि कौन है, कहां है, वो यहाँ आके अपनी कविता को क्लेम तो नहीं करेगा. बस प्रॉब्लम सॉल्व. और अगर वो फिर भी नहीं माने ना तो आप उनसे कह सकती हैं कि राइटर प्रेग्नेंट है, और प्रेग्नेंट लेडी का यकीन तो सभी कर लेते हैं ना, वो मान जाएंगे. फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल. Click the show links and enjoy watching the videos.